बिल्डिंगें जितने भी टावर बिल्डिंग लॉज के नियमों के अंदर नहीं बने हैं उनमें सब में इसी तरह का बारूद लगा देना चाहिए। फिर मैं कहता हूं कि जिन ट्विन टावरों को गिराने के लिए ट्विन्स डिप्टी सीएम ने ट्विन ट्वीट किया है उन्हें ये जांच करनी चाहिए पूरे प्रदेश में देश में कितने इलीगल बिल्डिंग लॉज के बिना टावर बने हुए हैं, इसी कंपनी को हायर करके या दूसरी कंपनी हायर करके सब में बारूद लगा देना चाहिए और पता लगेगा कि हो सकता है इनके अपने भी टावर ऐसे बने हों जो इलीगल हों और हो सकता है इन्हें अपने टावरों में भी यही कंपनी से बारूद लगवाना पड़ेगा। देखिए ये बीजेपी के चक्कर में मत फंसना। बीजेपी ने कहा कि आपको घी तेल न जाने क्या क्या मिलेगा, घी तो मिल नहीं रहा, सरसों का तेल बंद हो गया, गेहूं बंद हो गया, जिन्होंने नमक की कसम दिलाई थी सोचो उन्हें भगवान कितना बड़ा पाप देंगे, जिन्होंने नमक की राशन की कसम दिला करके वोट लिया था उनके ऊपर कितना पाप पड़ने जा रहा है ये सोच लीजिए आप। जो गरीबों की हाय लगेगी ये बच नहीं पाएंगे अगले चुनाव में। ये नए क्या होता है, ये सब पुराने नेता हैं, इन पे नया क्या होगा? आपको चिंता करनी चाहिए बिजली का बिल, क्या ये प्रदेश अध्यक्ष जी बदल देंगे? बिजली का बिल वही आएगा जो पहले आता था, गैस का सिलेंडर उतनी ही कीमत का आएगा जो पहले आ रहा था, सड़कों के गड्ढे भरे नहीं जाएंगे और बीजेपी झूठ बोलेगी, इसलिए झूठ का पर्दाफाश आप भी करिए। फर्क कहीं नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा कि पश्चिम के लोगों को बिजली का इंतजार था फ्री बिजली का, क्या फ्री बिजली दे रहे हैं? इन्होंने कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, आप पढ़िए उनका स्टेटमेंट, 15 लाख वाला जो जुमला याद होगा आपको, इसी तरह इन्होंने कहा फ्री बिजली देंगे किसानों को, बताओ कितने किसानों को फ्री बिजली मिल रही है? केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, आप में से अगर कोई सच्ची घटना दिखा देगा हो सकता है आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए। आप पे बहुत दबाव है, आप दबाव के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए आपको बधाई। नहीं उनके लिए क्या कहना उनके लिए, ये बीजेपी के लिए मुद्दा हो सकता है, आपके चैनल के लिए मुद्दा हो सकता है, ये जनता के लिए मुद्दा नहीं है। इन बातों में मैं कुछ नहीं कहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।